आपको खंडनात्मक होना पड़ेगा, वही मैं आपको बता रहा हूं। आईने अकबरी, इसके बाद जहांगीर ने भी फारसी का एक ग्रंथ लिखा तुझके जहांगीरी, बार बार आता कि मध्य मुगल कालीन वो कौन सा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा थी लिखी, तुझके जहांगीरी। मुंतकाब उत तवारिक, मुंतकाब उत तवारिक, मुंतकाब उत तवारिक, मुंतकाब उत तवारिक, यह मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका लेखक था अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी अकबर के काल का इतिहासकार था और आपको जान के आश्चर्य होगा अकबर का प्रचंड विरोधी था। बदायूनी अकबर के प्रत्येक कार्य को इस्लाम के विरुद्ध एक साजिश मानता था। आपको जान के आश्चर्य होगा अकबर के नाक के नीचे बैठकर अकबर का स्पष्ट विरोधी था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदायूनी का यह ग्रंथ निश्चित रूप से अकबर के काल में तो नहीं आया होगा, अकबर के बाद ही इसको प्रकाशित किया गया होगा, क्योंकि अकबर के जीते जी अकबर, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अकबर का कौन सा इतिहासकार अकबर काल के प्रत्येक कार्य को इस्लाम के विरुद्ध मानता था, तो उत्तर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के नाक के नीचे अकबर के प्रत्येक कार्य को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। कई जगह उसने समर्थन भी किया है, लेकिन बहुत कट्टर विरोधी था अकबर का ये। आप इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि कट्टर इस्लामिक भी था। इसीलिए अकबर के बहुत सारे उदारवादी कार्यों को वह इस्लाम के विरुद्ध द्रोह मानता था, उसको भारतीय संस्कृति नहीं मानता था, उसको अकबर के सदहृदयता नहीं मान सकता था, वो उसको इस्लाम के चश्मे से देखता था। और इस्लाम के चश्मे से देखने के कारण वह उसको प्रत्येक कार्य अकबर के प्रत्येक उदार का, ऐसा तो नहीं कि इस्लाम में उदारता नहीं है, उदारता बहुत है, लेकिन वो कट्टर था। और कट्टरवाद का चश्मा एक ऐसा चश्मा होता है जिसमें हर चीज में कमी दिखती है, तो बदायूनी को ऐसी चीजें दिख रही होंगी। फिर एक था ग्रंथ मुंतकाब उल लुबाब, ये मुंतकाब उल तवारिक है और एक ग्रंथ मुंतकाब उल लुबाब, ये खफी खां का लेखन है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में अगर आपको जानना है, उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में, यानी कि औरंगजेब के बाद, तो उस समय का इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है मुंतकाब उल लुबाब और इसका लेखक था खफी खां। मासीरे आलमगिरी एक ग्रंथ है, मासीरे आलमगिरी जो औरंगजेब के उसमें है, इसका लेखक था सकी मुस्तैद खां, जिसको मुगल राज का गजेटियर कहा गया, जो सकी मुस्तैद खां का मासिरे आलमगीरी, मुगल राज का गजेटियर कहा गया इसको, सकी मुस्तैद खां ने लिखा। मध्यकाल में और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे विदेशी आए, मुगल काल में आए, विजयनगर काल में आए, इन्होंने भी अपने ग्रंथों में भारत के विषय में तत्कालीन इतिहास के बारे में बहुत वर्णन किया है। और इनका हमारे देश के बारे में महत्वपूर्ण योगदान भी, इतिहास के बारे में वर्णन करने में महत्वपूर्ण योगदान भी है, ठीक है ना। ये पूरा हमने आपको बताया मध्यकालीन साहित्य के बारे में, ठीक है, और निश्चय ही ये आपको मध्यकालीन इतिहास के समझ को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक भारत के प्रमुख साहित्यों को लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।